वेलकम इन माय ब्लॉग। तो ये आई है हमारे यहाँ पर, जैसे कि आप सबको पता है, अब आएगी यूट्यूब पर आपके सामने एक नई अपग्रेडिंग चीज़ें, और दिखाते रहेंगे आपको। पहले भी हमने शॉपिंग की थी, जो वो भी आया है हमारे यहाँ पर, कोई मशीन लेकर चलो और ये है हमारा थैंक यू। अब हमेशा हम लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे इन चीजों को। और अभी एक सरप्राइज और है। और फिर से आ गई है एक और नई चीज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था मिक्सी ग्राइंडर, और यूट्यूब है तो सब कुछ पॉसिबल है। मेरे साथ यही हुआ है। तो ये रही, देखिए मेरा नया टॉय, जैसे कि आप देख सकते हो, ये है इसका, देखिए स्पिनर। अच्छा, ये है इसका बिल जो है। थैंक यू सो मच, मुझे सबसे ज़्यादा जरूरत थी। अब क्या है, बच्चे भी वॉश कर सकते हैं इसे आसानी से, क्योंकि करंट वगैरह का डर रहता था। वॉशिंग मशीन तो है मेरे पास, कपड़ों का ढेर लग रहा है, और लेकिन क्या है कि करंट का डर रहता है। अब बच्चे भी वॉश करने में अभी कहीं जाऊँ मैं, ये वाला पाइप याद है। अच्छा, नहीं हम अभी आए थे, जैसे कि आपको पता है ऑयलिंग करानी, मतलब जब हम स्कूल जाते हैं सुबह सुबह, तो हम इसी टाइम में ऑयलिंग करवा लेते हैं। हो गया स्टॉक कंप्लीट, और ये जो फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करके यही करता है। और बस अभी हम कोई एक गाड़ी देखने के लिए जा रहे हैं, जैसे कि आप सबको पता है सुनील जी प्लान कर रहे हैं गाड़ी लेने का, और अभी दिखाएंगे, उन्हें भी दिखाऊंगी वीडियो। और देखिए कितना सुंदर व्यू है हमारे यहाँ का पूरा मतलब ग्रीनरी के साथ। वो वाली गाड़ी अच्छी लग रही है, और स्कॉर्पियो का ही एक मॉडल टाइप भी है कि बोलेरो है, जो पुरानी बोलेरो तो ऐसी लगती थी हाँ खेतों में चलने वाली देसी कार, लेकिन वो जो आ रही है वो देखो ये रही। अब देखो ये है वो बोलेरो, चलिए उन्हें भी दिखाएंगे और आप सबको तो दिखाई दी। ये हमारी अथॉरिटी यहाँ पर। चलिए अब चलेंगे घर, और फिर दिखाएंगे अपने घर का शेड्यूलिंग वर्क। हमारा सिलेंडर हो गया था फिनिश, और सुनील जी लाए हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरे लिए कुछ ना कुछ। बच्चे चले गए स्कूल, मैंने आपको बताया था, और उसके बाद मैं बना रही ये खाना। ऐसे निकालो वो दो, क्या क्या लाना बताओ। तो मैं तो बना रही थी अचानक, मुझे तो पता ही नहीं था। और यहाँ मैंने ये जवे अलग से बनाने रख दिए थे, और इधर तो मेरे को सुबह सुबह भी सरप्राइज मिल ही जाता है। यहाँ हो गया है सुबह सुबह सरप्राइज मेरे लिए, जहाँ मैं एक तरफ बना रही थी अपनी चाय, मैं सोच रही थी इतने वो आएंगे, इतने मैं खाने वाने की तैयारी कर लूं और हम दोनों साथ में खाएंगे, लेकिन मैं
उनके लिए सोच रही हूँ, वो मेरे लिए सोच रहे हैं, ऐसा होता है हमारे साथ। और यहाँ मेरी चाय फेवरेट, और ये लेके आए हैं शायद छोले भटूरे एंड चावल। चलिए अब डाल देते हैं नाश्ता, चाय डाल दी मैंने वहाँ पर, ठंडी हो जाएगी, चलते हैं जल्दी से। बिस्किट खोलने में किस किस को दिक्कत होती है, मुझे नहीं होती कभी, मेरे साथ ही प्रॉब्लम नहीं है। अब हो रही है, कहाँ हो रही है, ये डाल दिए ज़्यादा। देखिए दिवाली की मिठाइयाँ देने के लिए मेरा भाई आ गया है, हर बार आता है ये पूरा, और फिर मैं भी जो रिटर्न में रहता है मैं भी गिफ्ट के तौर पर इसे ज़रूर दे देती हूँ। और यही होता है आपस में, बहन हो या भाई हो, पैसे का या गिफ्ट्स का लेन देन कुछ मायने नहीं रखता, रिश्ते मायने रखते हैं ऐसे। और फिर यहाँ करने लगे थे हम सब बातें, तो हाँ मैं ये बता रही थी कि जैसे कि ये छोटे छोटे गिफ्ट्स लेना देना, बहन भाई को दे या भाई बहन को दे, ये सब चीज़ें एक बहुत अच्छी सी रहती है रीति रिवाजों में भी, हमारे ट्रेडिशनल्स में भी। पहले लड़कियाँ दूर दूर शादी होती थी, नहीं आ पाती थी, अब अगर क्लोज़ टू फैमिली होती है तो भाई बहन इसी तरह से आना जाना लगा रहे, और रिश्ते हमेशा इसी तरह से बनते हैं, दोनों तरफ से रिश्ते होते हैं। और चलिए इसी तरह से इन्जॉय करते रहेंगे। और फिर हम कर रहे थे बातें, क्योंकि फिर इसे जाना भी है, कई जगह देना होता है, बेटियाँ ये घर छोड़ के आया। ये है वो रिटर्न गिफ्ट जो मैंने दिया था, क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी गिफ्ट्स लेकर आया था। इसी तरह से लड़कियों को भी कुछ ना कुछ जैसे देते हैं, मतलब भाई अगर जाता है तो ये एक ट्रेडिशनल्स होता है और अच्छा भी लगता है, वरना लेना देना कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन अगर बहनें भी कुछ करें, और ये देवताओं की मिठाई मैंने निकाली थी जो ससुराल से निकालनी होती है, जब बेटियों के यहाँ से कुछ भी आता है मतलब इन लॉज में, तो हमारे यहाँ पर ये प्रथा है कि मंदिर में वो मिठाइयाँ निकाल कर देवताओं के नाम की जरूर रखी जाती है, उसके बाद ही खा सकते हैं उसे। और ये मैंने हलवा वगैरह जो बनाया था सर्व किया, और बस ये आया हमारा दिवाली का गिफ्ट। गिफ्ट में क्या सिवे, और ये मैंने और वो नट्स के पैकेट, अच्छा ड्राई फ्रूट्स। तो चलिए हम भी ज्वाइन करते हैं उन्हें, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं, और भोलू लेने गया। और अब हो गई इनकी चलने की तैयारी, ये है इनका गिफ्ट। आशा दे रही थी बच्चों के लिए, उनके लिए विदाई वगैरह जो मेरी देती है, और बस वो निकल जाएंगे। और अच्छा बहुत लगता है, देखिए लेना देना तो एक छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन अगर भाई देता है तो बहन को भी कुछ ना कुछ अपनी ऑब्जर्व के हिसाब से दे सकते हैं अगर देने लायक है। कल को पापा जा रहे हैं ना, कट्टा लेके जाऊंगा तो पापा कल बहुत सिर दर्द है, चार आदमी बैठे हैं। ये बेटा खुश हो, चलो 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 आशा खेल रहा है हमारे घर के आगे खड़ा। हमें कागज निकाल, और अब हम हमेशा की तरह अपनी स्कूटी और मोटरसाइकिल, जैसे कि सबको पता है रात के टाइम ही हम ऑयलिंग करवा लेते हैं, फिल करवा लेंगे इसमें, क्योंकि शिवम स्कूल जाता है
और स्कूटी में इस तरह की नीड जरूर पड़ती रहती है, जैसे कि मुझे कहीं निकलना होता है या सुनील जी को कहीं जाना होता है, तो इस तरह से हुई है हमारी शाम। और चलिए एयर वगैरह भी करवाएंगे। मिठाइयाँ होती, वो दिवाली आती है, मिठाइयाँ कर रही। देखे रेडी के किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और उधर शिव जो शिवम आए, और उसके बाद ये आ रहा है सजा रहा है प्लेटिंग। पापड़ आ गए बेटा, पापड़ थोड़ा सही से सेक दोनों तरफ से। हाँ ये सेका नहीं इसने, देखे से भी तू वापस आ देख मैं सही हूँ। और ये है चटनी हमारी, और ये वाली रेड सॉस चटनी, और ये हमारी बहुत फेवरेट है हमारी ये पकौड़ियाँ, और ये हमारे कप्स चाय। सबको पता है आज आया था, अभी ये वाला व्लॉग मैं कल दूंगी आपको। तो दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे मिठाइयाँ देने के लिए आता है मेरा भाई हर बार। और ये देखिए, ये मैं पापड़ ले गई थी ना, कौन से हैं सेक दी, एक एक क्यों ला रहा है, एक एक मतलब ना, ये वाले पंजाबी मसाला पापड़ शिवम। अच्छा लग रहे, तो चलिए हम करेंगे चाय नाश्ता। अब आज स्किप करेंगे खाना, डी होगा आज। तो इस तरह से चलिए अब बैठो, पापड़ मुझे दे दो ठाकुर, सबके लिए बनाइए दो दो पापड़, ठीक है? एक एक बना दो भाई, मैं तो दो पापड़ लूंगा। और ये देखिए, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों की अगर चॉइस होती है कुछ बनाने की, तो हम डिनर वगैरह स्किप कर देते हैं। जैसे कि आपको पता था मेरा भाई आया था, तो हमने तब भी समोसे वगैरह कुछ खा लिए थे, और अब सेजल का मन था पकौड़ियों का। चलिए हो गया डिनर। हाय एवरीवन, तो हमारे यहाँ पर मेरे ही मतलब बड़े भाई हैं जो शिवम भर के भाई, उन्होंने एक TFSN करके क्लाउड किचन खोला है, तो वहाँ से फर्स्ट सर्विस चूज करने के लिए बोली थी उसने कि मतलब ये मैक्सिमम सबके यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑर्डर से रिलेटेड होगा, जो स्विगी जोमेटो वो रहता है। तो ये आई है हमारी चिली मशरूम, जैसे कि आप देख रहे होंगे क्वांटिटी काफी अच्छी है, और यूज ऑफ द क्वांटिटी इसकी है हमारे हक्का नूडल्स। हक्का नूडल है ना, और मैं बता रही हूँ इसे टेस्ट करके। पहली बात तो इसी से मैं इम्प्रेस हूँ कि मतलब ऐसे क्वांटिटी ये रख के ट्राई करो, जो जो हक्का नूडल ना वो बिल्कुल मतलब जैसे होने चाहिए ना वो ही है, बहुत टेस्टी बना रखे। अब देखते हैं मशरूम, ठीक है? मशरूम बहुत बढ़िया है ना, मेरी तरफ से 100% तो एकदम खा जा रहा है। तू बैठ साथ बता, खा के बता सुबह रिव्यू बहुत अच्छा। तो जगला चलिए अब करते हैं हम एंजॉय अपना डिनर। तो हमारा हो गया था, आपने देखा ही था, ये हमने अभी फर्स्ट डे उसने स्टार्ट किया है, तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर इसलिए गया है ना। अच्छा ना, चेक दिस क्वालिटीज। और अब आसान हो गया है, हमारे घर पे कोई भी आएगा तो आसानी से कुछ भी मंगा सकते हैं और खा सकते हैं ये सब चीजें। मैंने मशरूम पहली बार खाया। और दिवाली पे किस किस के यहाँ पर क्लीनिंग चलती है, और फर्स्ट एंड लास्ट फर्स्ट जॉब होती है ये पंखे साफ करना, बहुत हार्ड वर्क होता है, बहुत टाइम लग जाता है। और कांच जहाँ होता है, ये मैं कांच की सफाई कर रही थी और शिवम पंखों की। तो बच्चे जितने भी मतलब रहते हैं छुट्टियों में, ये सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छे काम आते हैं, और साथ में मिलकर सफाई करवाते हैं। यहाँ पर भी इसी तरह से बच्चे वगैरह सभी मिलकर सफाई करते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ पर तो हम मिलजुल कर सारे के सारे करते हैं, पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह मेरी रेगुलर आपको दिखाई देगी। आप किसके साथ होता है छुट्टी? नहीं ओए दो पंखे रह रहे, ऐसा किस किसके साथ होता है कि दिवाली की सब है कि मैं रौनक जरूर आनी है। देखो वैसे भी पंखे रहते हैं, लेकिन आज के दिन ही ऐसा लग रहा है जैसे नहाए। सफाई तो रोज होती है, पंखों की धुलाई होती है ओनली ऑन छुट्टियों वाले दिन या दिवालियों के टाइम। थोड़ी मैं अश्योरिया भी दिखाऊंगी आपको, क्लीनिंग भी चल रही है। आ जाओ भाई, और देखो इस पंखे को अभी बढ़ रहे हैं सारे के सारे, ये भी हो गया। अब बस उनकी बारी, शिवम करेगा अब।
मम्मी करेंगी मेरी, नहीं तू करेगा। और देखिए पूरी क्लीनिंग के बाद हमने घर में कर दी है, लाइटिंग लगा दी है। आगे का दिखेगा ये वाला व्लॉग, और आज का व्लॉग यहीं पर करूँगी एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मेरा ये स्वीट सा ड्रीम हाउस तैयार है विद लाइटिंग दिवाली की, और क्लीनिंग वगैरह आपने देखी है, अभी डीप क्लीनिंग चल रही है। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। नेक्स्ट व्लॉग के लिए रेडी रहे। बाय बाय एवरीवन, एंजॉय योर फैमिली।